सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में बिजली का बिल समय पर जमा न करवाने वालों के खिलाफ बिजली बोर्ड ने कार्रवाई आरंभ कर दी है। बिजली बोर्ड ने नाहन में कृषि और वन विभाग के कार्यालयों के कनेक्शन काट दिए, जबकि जल शक्ति विभाग को नोटिस जारी कर तुरंत बिल जमा करवाने को कहा गया है। बिजली बोर्ड के SDO KP सिंह ने कहा कि समय पर बिल जमा न करवाने वाले 600 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 400 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से बिजली बोर्ड को नाहन शहर में 22,75,475 रुपए वसूलने विभाग के नोटिस जारी किए गए, कृषि विभाग का नोटिस, एग्रीकल्चर विभाग का नोटिस जारी किया गया, फॉरेस्ट विभाग का नोटिस जारी किया गया, उनका कनेक्शन भी काटा गया, एग्रीकल्चर का कनेक्शन भी काटा गया। इसमें जो है नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल के 8 कंज्यूमरों के नोटिस दिए थे, उसमें से 3 के कनेक्शन काटे गए, बाकी उनकी रिकवरी आ गई थी। सारे नोटिस तो हम ज़्यादातर एसेंशियल सर्विसेज को ही जारी करते हैं, क्योंकि उनका जैसे हॉस्पिटल, जल विभाग के जो वाटर सप्लाई स्कीम में है उनका कनेक्शन नहीं काट सकते। जो ऑफिस के हैं उनमें से हमने अब की बार SDO साहब का कनेक्शन काटा, एक्सिन साहब को नोटिस दिया। शहर की जनता से अपील करता हूँ कि जो भी अपने लंबित बिल हैं उनका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र कर दे, अन्यथा किसी बिना किसी पूर्व सूचना के कनेक्शन काटा जा सकता है।